बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी, सुख का मौसम सुख का मौसम, कभी दुख का मौसम कभी, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हो वेरी गुड, तो आप अपनी मनपसंद डॉक्यूमेंट्री देख रही है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? जानते हो ये हमारे मुल्क के असली हीरो हैं, असली नेशनल हीरो, वो तुम्हारे फिल्मी हीरो जैसे नकली नहीं है। आई सी, तो हीरो में भी असली और नकली हुआ करते हैं? बिल्कुल होते हैं। फिल्मों में बहादुरी के कारनामे दिखाने वाला हीरो असल जिंदगी में बुजदिल हो सकता है, और दूसरों के लिए जान देने वाला फिल्मी हीरो लालची हो सकता है, और ये सच्चाई पर जान देने वाला। बस बस बाजी, बस बस, गलती हो गया, मैंने आपको टोक दिया, माफी चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं जब भी अपने नेशनल हीरोज को देखता हूँ और आज की सियासत को, इन दोनों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है बाजी, बहुत दुख होता है। बाजी दरअसल बात ये है कि मुझे अब सियासत से नफरत से होने लगी है। ये मत भूलो कि सियासत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम इससे दूर तो रह सकते हैं, लेकिन इससे कटके जुदा नहीं हो सकते। और फिर सियासत ही क्यों, दुनिया के किसी भी शोबे में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। बुरे लोग शोबे को बदनाम करते हैं और उस पर बट्टा भी लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस शोबे को ख़त्म कर दें। अगर ऐसे किया जाएगा तो सामाजिक निज़ाम बिगड़ जाएगा। आप सच कहते हैं बाजी। आपको एक बात याद है, आज मेरे नौकरी का पहला दिन है। अच्छी तरह याद है, ये मुबारक दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो अब अपने हाथों को मेरे सर पर रख के दुआ ही दीजिए ना। फरीद, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, और तुम इसी तरह एक दिन एक आला अफसर बन जाओ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बाजी, अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या बात है, तू ऐसे मुंह लटकाए खड़ी है, कोई तेरा रिश्तेदार मर गया क्या? पता भी है कितने बज रहे हैं? कितना बज रहे, चाहे जितने भी बज रहे, उससे मुझे क्या लेना देना ना। मैं वक्त का गुलाम नहीं, वक्त उसका काम करता है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। शराब पीकर तो पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझने लग जाते हो। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे शराब के लिए मत जगा कर। मैं शराब अपने पैसे पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे अगर नहीं पीता। हाँ हाँ, सारी कमाई तो शराब में उड़ा देते हो, तभी तो घर में फाके पड़ जाते हैं। खाने की भूखी जब देखा तब खाने की ताना मारती रहती है। मुझसे जवान चलाती है, मुझसे जवान चलाती है। चल चल, मैं तुझे बताता हूँ, चल 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 खोल। चल भाग जाके।
ये अपने आप को समझते क्या? लक्ष्मी, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारे घर से रोज चीख पुकारों की आवाजें आती हैं। क्या बात है, श्यामू तुम्हें रोज पीटता है क्या? ये कौन सी नई बात है जया, ये तो आए दिन होता ही रहता है। मुए की हाथ टूटे, मेरे तो जी में आ रहा था कि मैं तुम्हें बचाने आऊँ, पर तुम तो जानती ही हो कि श्यामू शराब पीने के बाद तो एकदम शैतान हो जाता है। मैं एक औरत को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। जी मैं बहुत परेशान हूँ कि आपके पास आई हूँ। मेरे पति बहुत पी के आते हैं और बहुत मारते हैं जी, और कभी कभी तो इतनी शराब पीते हैं घर में खाने को नहीं होता। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ जी, और इतने दिन फाकों में ही निकल जाते हैं। मैं बड़ी परेशान होके आई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लक्ष्मी बहन, क्या तुम्हारे पति वाकई इतने जालिम हैं? ऐसे जालिम आदमी को तो सबक सिखाना चाहिए। जो औरत खुद अपना बचाव नहीं कर सकती, वो अपने पति को क्या सबक सिखाएगी? खुद को कमजोर समझना ही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मर्द उन पर हावी हो जाते हैं। क्यों समझ लो, औरतें अपनी जंग लड़े बगैर ही अपनी हार तस्लीम कर लेती हैं। तो नसरीन आपा, आप ही बताइए ये बेचारी क्या करे? सबसे पहले तो ये बेचारी लफ्ज़ बंद कर दो। ये बेचारी कैसे, मालिक ने हाथ पांव नाक कान सब कुछ तो दिया है, तंदुरुस्ती दी है, दिमाग दिया है, फिर ये बेचारी कैसे? लक्ष्मी बहन, सबसे पहले तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पर मैं तो सिर्फ 4 क्लास ही पढ़ी हूँ, मुझे कोई नौकरी कैसे देगा? जरूरतमंद औरतों को रोजी मिले, इसके लिए भी हमारी तंजीम काम करती है, जैसे सिलाई का काम, जरदोजी का काम, और हम लोग अगरबत्ती और खाने पीने की चीजें बनाकर बेचते हैं। इनमें से तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे तुम सीख सकती हो और अपनी रोजी खुद कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन जी, अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे पति के जुल्मों से छुटकारा मिल जाएगा। मगर ये तभी होगा जब तुम्हारे पति को सबक सिखाया जाएगा। सबक? कैसा सबक? मेरे पास ऐसी कई औरतें आ चुकी हैं जिनके शराबी शौहर अपनी बीवी की कमाई के पैसे छीन लिया करते थे, और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि अपने पति के खिलाफ केस क्यों दर्ज कराया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम उनसे कहना कि सबसे पहले इसकी शराब और मारपीट की आदत छुड़वा दो, मैं केस वापस ले लूंगी, फिर देखना लोगों के मुंह कैसे बंद हो जाते हैं। और तुम डरो मत, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। लीजिए सर, ले आया आपका गुनहगार। है बे? आप बता कितनी जोर से मारता है? मैंने जितना जोर से मारा इतनी जोर से या फिर इससे भी ज्यादा? नहीं सर। हवलदार जी सर, खड़ा करो। साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब, मैं वादा करता हूँ साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या है? ये तो राखी है। हाँ ये राखी है, ये राखी बांधी है तेरी बीवी लक्ष्मी देवी ने, यानी कि
आज से वो मेरी छोटी बहन है। क्या? छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन। और कोई भी मेरी छोटी बहन को सताए या फिर उस पर जुल्म करे या फिर उसे उस जानवर की तरह मारे पीटे तो मुझे क्या करना चाहिए? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, ये पक्का वादा है साहब, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। पक्का वादा? पक्का वादा साहब, पक्का वादा। लक्ष्मी बहन, मुझे लगता है इसको एक मौका जरूर देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी ये शिकायत दर्ज नहीं करा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये शामुना लातों का भूत है, इसको सीधे रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम था जो आपने आसान कर दिया। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। देखिए नसरीन आपा, ये शुक्रिया अदा करने की बात को लेके आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें। मुझे तो खुशी इस बात से है कि आपके किसी नेक काम में मैंने आपका साथ दिया। अच्छा ये बताओ, ये आपका कैसे आना हुआ? बस आप ही के काम के सिलसिले में आया हूँ। ये किस काम की बातें कर रहे हैं आप? वो आपने कहा था ना कि हमें अपनी पार्टी के लिए एक ऐसे नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए जिसके आवाम में मकबूलियत हो। हाँ कहा तो था। मैंने एक ऐसा नया चेहरा तलाश लिया है जो मखदमपुर का इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। जीत सकती है? इसका मतलब वो कोई खातून है क्या? जी हाँ, लोग उसे नसरीन आपा के नाम से जानते हैं और उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं। इज्जत करने की वजह? वो दरअसल ख्वातीन की फला नारी कल्याण के लिए तंजीम चलाती हैं और सही मायनों में वो दुखी और बेसहारा औरतों की दिल से खिदमत करती हैं। मंसूर मियां, अगर ऐसी समाज सेविका हमारे पार्टी में शामिल हो गई तो पार्टी के लिए इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन वो इलेक्शन में खड़ी होने के लिए राजी होंगी या ना होंगी ये मैं अभी आपको यकीन के साथ नहीं कह सकता। आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ उस खातून से मेरी मुलाकात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम नसरीन आपा। वालेकुम अस्सलाम मंसूर अली साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखें। शुक्रिया। आइए। नसरीन आपा, आप हैं प्रताप राय जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। नमस्कार। नमस्कार। इन्हें कौन नहीं जानता, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। आप जैसे बड़े नेता का हमारे तंजीम में आना हमारे तंजीम के लिए बड़ी फख्र की बात है। तशरीफ रखें। शुक्रिया। कहिए क्या लेंगे आप? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं नसरीन नापा। दरअसल प्रताप राय जी खास मकसद के तहत यहाँ आए थे। जी फरमाइए। नसरीन जी, क्या आप नहीं चाहते कि आपका ये तंजीम बड़े पैमाने पे काम करे और ज्यादा से ज्यादा बेसहारा औरतों को मदद मिल सके? जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। और इस तरह का तंजीम चलाने के लिए वसाइल की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, हमारी तंजीम भी आप जैसे नेक दिल लोगों की मदद से चलती है। मैं यहाँ आपकी मदद करने नहीं आया हूँ बल्कि ये चाहता हूँ कि आप अपनी मदद खुद करें। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखिए नसरीन जी, 6 महीने के बाद इलेक्शन है और मैं चाहता हूं आप हमारी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मखदमपुर इलाके से चुनाव लड़े। देखिए सर,
सियासत मेरा मैदान नहीं है और चुनाव लड़ना मेरे बस का रोग भी नहीं है। नसरीन जी, ये सब बातें आप हम पर छोड़ दें। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि यह चुनाव आप जरूर जीतेंगी। सर, मैंने कहा ना, चुनाव लड़ना मेरे बस का रोग नहीं है। मैं जो अपना काम कर रही हूँ, मुझे बस वही करने दीजिए। मैं इस काम को बंद करने के लिए या छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस काम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, इस काम में पैसों के साथ साथ असलो रूसों की भी बड़ी अहमियत होती है। मगर ये चुनाव के बारे में सोचते ही मैं एक अजीब सी उलझन महसूस कर रही हूँ। नसरीन जी, मैं समझता हूँ आपकी उलझन को। अब जल्दबाजी में फैसला लिया ठीक नहीं होता है। आप इसके बारे में सोच समझ के विचार करके फैसला लीजिए। हम आपके हाँ का इंतजार करेंगे। अच्छा, नमस्ते। आओ, सोचिएगा जरूर नसरीन अपा, जवाब दीजिएगा। अरे ये तो कमाल हो गया बाजी। लोग कई वर्षों से किसी भी पार्टी में काम करते आए हैं और बड़े नेताओं की खुशामद करते हैं और इनके जूते चप्पल तक घिस जाते हैं, फिर भी उनको चुनाव का टिकट नहीं मिलता। और आप घर बैठे बैठे चुनाव का टिकट मिल गया, इससे कहते हैं किस्मत का करिश्मा। वो तो ठीक है, मगर सिर्फ टिकट मिल जाने से कामयाबी नहीं मिलती, उसके लिए चुनाव जीतना भी जरूरी है। अच्छा, तो आप समझा, यानी आपको वो तो है। चुनाव में कई उम्मीदवार होते हैं, उनमें से सिर्फ एक जीतता है, बाकियों की तो हार हो जाती है। लेकिन आपकी जीत होगी, ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? बाजी, प्रताप राय एक मंजा हुआ पॉलिटिशियन है, उसने तुम्हारा इंतखाब बड़ी सोच समझकर किया है। उससे पता है कि जो शख्स अवाम में ज्यादा मकबूल है, लोग उसे पसंद करते हैं और आंखें बंद करके वोट दे देते हैं। एक बात और है। कौन सी बात? मुक्तमपुर इलाके का एमएलए मिर्जा लियाकत अली बेग है, लेकिन इस बार कुछ इसकी हवा ठीक नहीं है, लोग इससे नाराज हैं, पर वो आपके सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, आज मुझे इस बात की ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, हमारे शहर की, समाज की एक सच्ची खादिम नसरीन जी हमारे पार्टी के साथ जुड़ रही है, हमारे पार्टी में शामिल हुई है। इसके लिए मैं दिल से खुशी इजहार करता हूं। अपने ओर से, अपनी पार्टी के ओर से और आप सब की ओर से नसरीन जी का स्वागत करता हूं। लीजिए सर। इस खुशी के मौके पे एक बात का और ऐलान करना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन है और नसरीन जी हमारे पार्टी के तरफ से मक्तमपुर इलाके से चुनाव लड़ेगी। अब मैं नसरीन जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया माइक पे आए और अपनी बात रखे। आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप राय जी। भाइयों और बहनों, मुझे तकरीर करना तो नहीं आता, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला, जो इज्जत मिली, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
और साथ ही ये भी यकीन दिलाती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, जो मुझ पर यकीन किया है, उसको पूरा करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। नसरीन अब्बास, नसरीन अब्बास, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम अंदर आ सकते हैं मोहतरमा? मिर्जा बेग साहब, आप? लगता है आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए तशरीफ रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किस बात की मुबारकबाद? अरे भाई, चुनाव में टिकट मिला है आपको, और किस बात की मुबारकबाद, इसीलिए तो आए हैं हम आपके पास। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शाने आलम साहब, जरा मोहतरमा से हमें जरूरी गुफ्तगू करनी है, आप कुछ देर बाहर इंतजार कीजिएगा, हम अभी आते हैं। ओके। बड़ी ही अजीब बात है, मैं आपकी हरीफ हूँ और आप अपने ही हरीफ को मुबारकबाद देने चले आए। वाकई बड़े ही फराख दिल हैं आप। शुक्रिया फराख दिल, शुक्रिया। दरअसल मुबारकबाद के साथ साथ मैं आपसे एक जरूरी निहायत काम से मिलने आया हूँ। किस काम से? आपकी तंजीम वाकई नेक काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि उसमें हिस्सा लूँ। डोनेशन देना चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहिए कितना डोनेशन देना चाहते हैं आप? जितना आप चाहें। मैं कुछ समझी नहीं। मोहतरमा, ये पूरी चेकबुक कोरी है, 10 खत्म कर चुके हैं, आप अपने इन हाथों से जो चाहे रकम भर सकती हैं, ये लीजिए। आई सी, ये बेपनाह फराग दिली बेसबब तो नहीं हो सकती। अब आप ये बताइए, इसकी एवज में आप क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप आवाम की खिदमत यूं ही करती रहें, सियासत जैसी गंदगी में आप हाथ ना डालें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिर्जा साहब, अगर आप हमारी तंजीम को डोनेशन में 100 रुपए भी दे देते तब भी मैं आपकी कद्र करती, लेकिन ये डोनेशन नहीं, ये सौदेबाजी है और मुझे ये सौदेबाजी मंजूर नहीं। आप जा सकते हैं, मैंने कहा आप जा सकते हैं। शुक्रिया। मगर ये मिठाई किस बात की? नसरीन जी, अब आप हमारी पार्टी की मेंबर बन गई हैं। अब जब भी आपसे मुलाकात होगी, मिठाई के डब्बे के साथ मुलाकात होगी। तशरीफ रखें। आप भी आइए। जी फरमाए। नसरीन जी, इलेक्शन के सिर्फ 4 महीना रह गए हैं और पार्टी चाहती है कि आप कोई ऐसा तहरीक शुरू करें जिससे मौजूदा सरकार पर दबाव बने और पार्टी को मुसलमानों की हमदर्दी मिले। मगर इस तहरीक का इशू क्या होगा? भाषा, जवान, इसे भी एक इशू बनाया जा सकता है, इससे भी लोगों को उकसाया जा सकता है, इसलिए पार्टी चाहती है कि आप उर्दू जवान की तहरीक शुरू करें। और इस तहरीक का नस्बुल ऐन क्या होगा? नसरीन जी, आपको आवाज उठानी होगी कि उर्दू के साथ
नाइंसाफी हो रही है, उसे दबाया जा रहा है, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे ख्याल से कोई भी जुबान उसके पढ़ने वाले, लिखने वाले और बोलने वालों से जिंदा रहती और पनपती है। नसरीन जी, पार्टी को आपकी राय की जरूरत नहीं है। पार्टी चाहती है कि आप तहरीक चलाएं। मगर इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा ना आपसे, मौजूदा सरकार पे दबाव बनेगा और उर्दू के चाहने वालों की ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी मिलेगी। और ज़बाने उर्दू का क्या होगा? किसे क्या मिलेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पार्टी को क्या मिलेगा ये मैं जानता हूं। आप बस उर्दू की तहरीक शुरू करें। माफ कीजिएगा सर, मुझे ऐसा लगता है जो मेरा दिल गवारा नहीं करता मुझे वो करने के लिए कहना पड़ रहा है। मुझे भी कई बार ऐसे काम दिए जाते थे जो मुझे गवारा नहीं लगता था, मुझे कबूल नहीं था, लेकिन करना पड़ता था। तस्रीन जी, पार्टी का असूल है, पार्टी का दिया हुआ काम करो या पार्टी छोड़ के चले जाओ। वाकई बहुत बढ़िया असूल हैं आपके। ये मिठाई के डब्बे को सूंघ क्यों रही हो? मिठाई जांच रही हूं सर, ये मिठाई सड़ चुकी है और मुझे ये सड़ी हुई मिठाई नहीं चाहिए। फिर भी एक बात हरगिज ना ये भूलना, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।